दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि आपको अपनी ऑडियंस को समझाने के लिए कुछ इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है इसलिए ताकि आप अपने कैमरे में अपनी ऑडियंस को कुछ भी समझा रहे हों तो वो चीज़ स्क्रीन पर दिखना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस के समझ में अच्छे से आ जाए आप भी इस एडिटिंग ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक क्योंकि आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही इस सीक्रेट एडिटिंग ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेलाइकन भी प्रेस कर दें तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने अपने फ़ोन में काइन मास्टर को ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद यहां पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको 16 बाई नाइन का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी वो वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिस भी वीडियो को यहाँ पर आपको एडिट करना है तो मैं सिंपल से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों आपको अपने टाइम को वहाँ पर ले आना है जहाँ पर आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को लगाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पर ले आता हूँ और इसके बाद में आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से ही एक अपने मोबाइल से ही रिलेटेड एक पहले से ही पी डाउनलोड करके रखा हुआ था आपको दोस्तों सिंपल सा इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे जहाँ पर एडजस्ट करना है आपको इसे कर देना है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कर दिया है अब इसके बाद में फिर से आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है यहाँ से आपको फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्क्रीन रिकॉर्डर को वहाँ पे लगाना है तो दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको अपने हिसाब से यहाँ पे अडजस्ट कर देना है तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपल सा अडजस्ट कर देता हूँ अडजस्ट करने के बाद आपको क्रोपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपको सेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से

तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर फिट हो गया है और आपको भी इसी तरीके से अपने मोबाइल में एडिट कर लेना है और दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना है तो उस पर मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड प्ले लिस्ट बना के रखा है अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा उसको वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर देना नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पर चाहिए और अगर आप ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेलाइकन भी प्रेस कर दें तब तक लिए चलते हैं दोस्तों बाय बाय